गैस आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना HTML का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी HTML के ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो मैं कहूँगा आप इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। मैं यहाँ पर इसको खुद भी बुकमार्क कर लेता हूँ आप लोगों के साथ साथ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप भी करें, और यहाँ पर इसको सेव भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके आपकी प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जल्दी से काम की बात करता हूँ, और काम की बात करने से पहले मैं चाहूँगा आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, उसके बाद आप लोग नया टैब खोलें। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, इस मुद्दे पर ज़रा सा जल्दी से एक बार और बात कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो वेबसाइट्स हैं उनको बनाने के लिए HTML, CSS और JavaScript की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, JavaScript क्या होता है। हमने देखा था कि हम वेब सर्वर को रिस्पॉन्स देते हैं और वो हमको रिटर्न में HTML, CSS और JavaScript देता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, HTML लिखने की तैयारियाँ करेंगे। और आप सोच रहे होंगे अरे भाई HTML लिखने की तैयारियों का क्या मतलब है, आप नोटपैड में भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नोटपैड में हम लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने वर्कफ्लो को फास्ट बनाने के लिए और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं IDE के अंदर जो कि हम यूज़ करना चाहेंगे और हम नोटपैड में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटपैड में नहीं लिख सकते, बस ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप नोटपैड में लिखें, क्योंकि नोटपैड में आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल IDE जो होती है, अगर आप VS Code डाउनलोड करेंगे तो वो आपको सजेशंस देगा, आपके वर्कफ्लो को बड़ा बनाएगा, आसान बनाएगा, और आप जो है बड़े आराम से कोडिंग कर सकते हैं स्मूथली मल्टीपल टैब्स के साथ। तो चलो VS Code को इंस्टॉल कर लेते हैं, और आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, विजुअल स्टूडियो कोड नॉट विजुअल स्टूडियो, और आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड लिखें। और ये एक फ्री ओपन सोर्स IDE है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, मैं चाहूँगा सब लोग इसको डाउनलोड करें। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिख कर आ रहा है, स्टेबल बिल्ड, मैं क्लिक करूँगा इस पर, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डाउनलोड हो जाएगी। आपके इंटरनेट कनेक्शन के हिसाब से, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बड़ी फास्ट है, तो यहाँ पर देखो ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया, 56 MB। और इसके बाद आप लोग शो इन फोल्डर पे क्लिक करें, और उसके बाद ये जो डाउनलोड हुआ है इस इंस्टॉलर को रन करें। इंस्टॉलर को जैसे ही मैं रन करता हूँ ये मुझे कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट दिखा रहा है, इसको जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ऐड ओपन विथ कोड टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर चेक कर दें, और इस पर भी चेक कर दें, और यहाँ पर ऐड टू पाथ पे भी आप लोग जो है चेक कर दें, और जो जो मैंने चेक किया हुआ इन सबको चेक कर दें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हैं इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, और थोड़ा सा टाइम ये ज़रूर ले सकता है, लेकिन जैसे ही ये हो जाएगा ये हमको बता देगा, हम फिनिश कर देंगे उसके बाद, और हम VS Code को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जितनी देर में हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर में आएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पर एक फोल्डर में आ गया हूँ, ये हो भी गया है इंस्टॉल, तो इसको मैं यहाँ पर अभी लॉन्च नहीं करूँगा, सिर्फ फिनिश कर दूँगा। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा, और मैं इस फोल्डर का नाम क्या रखने वाला हूँ, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूटकैंप, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ओपन विथ कोड लिखकर आ गया है, ओपन विथ कोड आपका भी लिखकर आ रहा होगा। एक तो ये तरीका है इसको खोलने का, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये वाला फोल्डर जो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर है ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया है। आप एक फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल सकते हैं, या फिर आप सिर्फ फाइल को भी खोल सकते हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ नए हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता ना करें, बस जैसे जैसे मैंने किया है वो आप करें। बाय एनी चांस अगर आपका ये नहीं काम करता है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड को रन कर लें, और विजुअल स्टूडियो कोड को आप जैसे ही रन करेंगे या आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ऑप्शन देगा ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पर क्लिक करें, और उसके बाद आप जो मन चाहे फोल्डर चाहें खोल सकते हैं। मैं इसको भी बंद कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लिया है। आपका राइट क्लिक बिल्कुल चलेगा यहाँ पर और ओपन विद कोड लिख कर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वापस से इंस्टॉल करें विजुअल स्टूडियो कोड, उसी के साथ साथ आप क्या करें कि अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर नहीं, अगर आपका ओपन विद कोड नहीं आता है लिख कर, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये हमने कर लिया, हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक वेबसाइट क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट क्या है, एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट harry.html अगर मैं ये लिख दूँ तो ये एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि harry.html के बाद ये यहाँ पर इससे पहले ये लिख कर आ गया ब्रैकेट, यानी कि ये एक HTML फाइल है। उसी के साथ साथ एक CSS फाइल बनाने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी CSS फाइल है harry.css, और एक बहुत ही सिंपल सी JavaScript साइट है
harry.js। तो ये एक्सटेंशंस हैं और ये अलग अलग तरह की फाइल्स हैं। अभी css और js में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ html हम लोग स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा हम लोग सब कुछ देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने तीन तरह की फाइल बनाई VS कोड की मदद से। अगर यही तीन फाइलें आपको एक फोल्डर में बनानी होती नोटपैड की मदद से, तो ज़रा सोचो कि आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती। आपको एक एक फाइल बनाना पड़ता और उसके बाद उसको नोटपैड से एडिट करना पड़ता, फिर आपको सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी नहीं मिलती। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट में मैं यहाँ पर कंसोल लिखता हूँ तो ये देखो मुझे सजेस्ट कर रहा है, और डॉट लॉग लिखता हूँ तो ये इस तरह से सजेस्ट कर रहा है, मुझे बता रहा है कि किस तरह से मुझे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। ये मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊँगा ज़्यादा, मैं सिर्फ आप लोग को दिखा रहा था कि ये मुझे सजेस्ट करता है। इसीलिए हम नोटपैड यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ कर सकते हो बट प्रेफर नहीं करते हैं हम नोटपैड यूज़ करना। हम यहाँ पर ये IDE या कोई सोर्स कोड एडिटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वेब ब्राउज़र की जहाँ तक बात आती है, मैं आप लोगों को क्रोम रेकमेंड करूँगा, और जो गूगल क्रोम है एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, बहुत ही स्टेबल ब्राउज़र है, मैं इसको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ। मैं इस ट्यूटोरियल में, इस पूरे कोर्स में आप लोगों को यही ब्राउज़र यूज़ करके दिखाऊंगा, मैं आप पर इसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो अगर आप लोग कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो फायरफॉक्स वगैरह भी कर सकते हैं यूज़, बट मैं यहां पर ये यूज़ करूंगा। तो जस्ट एन FYI। उसी के साथ साथ हम लोग यहां पर VS कोड के बारे में थोड़ा और देखेंगे, और यहाँ पर बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कोर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव VS कोड का ट्यूटोरियल नहीं बनाना चाहता। मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ VS कोड के बारे में। VS कोड आपने इंस्टॉल किया, आप जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, यहाँ पर MET एब्रीविएशन लिख के आता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है HTML का, जिसको आप आगे ले जा सकते हैं। इसको एडिट करके आप लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल में हैरी लिख सकता हूँ, और मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं बस आपको ये बताना चाहता था, जैसे जैसे आप टाइप करते हैं ये आपको सजेशन देते जाता है, एंटर मारते हैं तो ये ऑटो कम्प्लीट कर देता है। और यहाँ पर एक गियर आइकन है जहाँ पर VS कोड की सारी सेटिंग्स हैं। अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ही डरावना सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ मालूम ही नहीं है मैं कैसे यूज़ करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा आदत डाल लीजिए इसको यूज़ करने की। क्योंकि अगर आप लोग पाइथन में भी प्रोग्रामिंग करोगे आगे जाकर, या फिर मान लो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे, तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच बटन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इनमें से अभी के लिए सिर्फ एक्सप्लोरर पर आप लोग फोकस करो। एक्सप्लोरर को इस तरह खोल बंद कर सकते हो आप, इसके अंदर वो सारी की सारी ओपन फाइल्स हैं जो कि आपने खोल रखी हैं, यहाँ पर आपका पूरा फोल्डर दिखता है, इसको बंद या खोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई फोल्डर बनाना है तो यहाँ क्लिक करें, कोई फाइल बनानी है तो यहाँ क्लिक करें, न्यू फाइल न्यू फोल्डर, और ये रिफ्रेश का बटन है कि अगर आपने यहाँ पर कोई फाइल बना दी, यहाँ पर कोई फाइल बना दी और उसके बाद आप आपकी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर सर्च है, यहाँ पर गिट है। अब बहुत सारे लोगों को गिट नहीं मालूम होगा एज अ बिगिनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी छोड़ दो उसको। डीबगर को भी अभी के लिए छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पर एक्सटेंशंस हैं, ये बिल्कुल ही माइक्रोसॉफ्ट में स्टोर्स की तरह, आपके एंड्रॉयड ऐप में प्ले स्टोर की तरह, बिल्कुल उसकी तरह है। और यहाँ पर आप एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही धमाकेदार एक्सटेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर लाइव सर्वर लिखेंगे, मेक श्योर कि आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो मेरी ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप लोग को इंस्टॉल पर क्लिक करना है लाइव सर्वर लिखते ही। और जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपकी ये जो लाइव सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं अभी अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर सकता हूँ इसको। मैं अगर इसको अभी अनइंस्टॉल करके रिलोड करूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँ लाइव सर्वर, तो यहाँ पर मेरा फिर ऑप्शन देगा इंस्टॉल करने का, इस पर क्लिक करने का। और इस पर क्लिक करने के बाद दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट, इतना ही करना है बस आपको। और जैसे ही आप ये करेंगे, आपको यहाँ पर गो लाइव का बटन दिखाई देगा। रिलोड कर लेना अपने VS कोड को अगर नहीं दिखाई दे तो, यानी कि बंद करके खोल लेना वापस से। बट जैसे ही आप इस गो लाइव पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर गो लाइव पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया गो लाइव पर, ये देखो ये हैरी टाइटल का एक पेज खुल गया यहाँ पर। और बॉडी के अंदर अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हैरी, और हैरी नहीं यार, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया बिना इसको रिलोड किए। यही लाइव सर्वर का काम है, आपको रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, हेलो वर्ल्ड की जगह आप लोग यहाँ पर हेलो हैरी करके सेव करेंगे, तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड का हेलो हैरी हो गया। तो जैसे जैसे मैं काम करूँगा वैसे वैसे यहाँ पर अपडेट होती जाएंगी चीज़ें। लाइव सर्वर बिल्कुल इसी में मदद करता है हमारी। और यहाँ पर VS कोड के बारे में थोड़ा और बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं, यहाँ कमांड पैलेट है, इसमें सारे कमांड्स होते हैं। अभी के लिए आप इसको छोड़ दो,
सेटिंग्स पे जाऊंगा, सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे जाने के बाद दो तरह की सेटिंग्स है विजुअल स्टूडियो कोड में, एक यूज़र सेटिंग है, एक वर्कस्पेस सेटिंग है। यूज़र सेटिंग मतलब इस कंप्यूटर में जो यूज़र है, यानी कि आप जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, उसके लिए सेटिंग्स। वर्कस्पेस मतलब सिर्फ इस फोल्डर के लिए सेटिंग जो खुला हुआ है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे सिर्फ इस फोल्डर में अप्लाई हो, जैसे लाइव सर्वर। मैं किसी पाइथन प्रोजेक्ट में नहीं चाहूँगा कि लाइव सर्वर चलाऊँ। यूज़र सेटिंग्स में क्या है, कुछ वो चीज़ें जो कि आप प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो मैं माउस व्हील को कंट्रोल दबा के जूम करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा, जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल। तो इसको मैं चेक करूँगा, तो मैं कंट्रोल दबाकर अपने माउस का व्हील घुमाऊँगा तो छोटा बड़ा कर सकता हूँ मैं फॉन्ट को, और ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाली सेटिंग है मेरे लिए। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह से सेटिंग्स जो हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सेटिंग्स चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जो आपकी सेटिंग्स हैं वो एक फाइल में सेव होती जाती हैं, जिसका नाम होता है settings.json। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर, यहाँ पर ओपन सेटिंग्स json, तो यहाँ पर वो सारी की सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपने ओवरराइड कर रखी हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट से अलग हैं। तो डिफ़ॉल्ट से अलग सेटिंग्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। कौन सी सेटिंग्स हैं, ये यूज़र सेटिंग्स हैं। अगर आपको वर्कस्पेस स्पेसिफिक सेटिंग्स चेंज करनी है तो वर्कस्पेस पे क्लिक करें, इसको चेंज करें, और यहाँ पर देखो मैंने जैसे ही माउस व्हील वाली सेटिंग चेंज करी तो यहाँ पर ये आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप हर प्रोजेक्ट के साथ चाहते हैं, जैसे कि ये माउस व्हील वाली जो सेटिंग है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे हर फोल्डर, हर प्रोजेक्ट के अंदर ये सेटिंग मुझे मिले। तो इसलिए मैंने क्या किया, एडिटर डॉट माउस व्हील जूम को ट्रू कर लिया यहाँ पर भी, और भी कहीं मैं कोई और प्रोजेक्ट बनाऊँगा इस कंप्यूटर के अंदर, वहाँ भी मैं चाहूँगा कि ये सेटिंग मुझे इस तरह से मिल जाए। तो ये था सेटिंग्स। और अगर आप लोगों को ज़्यादा सीखना है और वीएस कोड के बारे में, एकदम नेटी ग्रिटी, एकदम डिटेल सब कुछ, तो मैंने वो भी वीडियो बनाया हुआ है, और मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। वो आपको मिलेगा मेरे पाइथन के कोर्स में। अगर आप लोग पाइथन नहीं भी सीख रहे हैं तब भी मैं कहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं वीएस कोड को बहुत डिटेल में सीखना, तो ये वाला वीडियो देख लें, लर्न वीएस कोड इन वन वीडियो, वीएस कोड ट्यूटोरियल, ये है मेरा प्लस पाइथन सेटअप। इसमें मैंने वीएस कोड के बारे में बताया, मोस्टली पाइथन के बारे में कम ही बताया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। बट यहाँ पर इस वीडियो को मद्देनजर अगर रखा जाए, HTML, CSS और JavaScript की जहाँ तक बात रही, इतना काफ़ी है, और कुछ आगे लगेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको इस कोर्स के दौरान बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी सेटिंग्स को बंद करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं आपके VS कोड के अंदर, लेकिन आप चाहेंगे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ओवरराइड करना। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस डी जो है उसको मैंने रखा हुआ है, CTRL+D मैंने रखा हुआ है अपनी लाइन को रेप्लिकेट करने का शॉर्टकट। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं अपनी कीबोर्ड की जेसन फाइल दिखाऊँ, देखो क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो आपके VS कोड में रहते हैं। इसके ऊपर से अगर आप कोई और कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड करते हो, यानी कि चेंज करते हो, तो वो आपके keybindings.json में आ जाते हैं, आपकी जो जेसन फाइल है इसके अंदर आ जाते हैं। देखो मैंने कंट्रोल डी को रखा हुआ है एज editor.action.copyLinesDownAction। तो आप यहाँ पे कॉपी लाइन्स डाउन लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो मैंने कंट्रोल डी बना रखा है उसको, मैंने इसको ओवरराइट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ और था, मैंने इसको चेंज किया है। इससे क्या होता है, मैं कंट्रोल डी दबाकर इसको रेप्लीकेट कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं सेलेक्ट करके इसको इतनी सारी लाइंस भी कॉपी कर सकता हूँ नीचे। तो ये काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए। मैं पहले सबलाइम टेक्स्ट यूज़ किया करता था और उसमें ये शॉर्टकट था, तो मेरी आदत सी पड़ गई थी इस शॉर्टकट को यूज़ करने की। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होंगे दूसरे IDEs के जिनकी आपको आदत पड़ी हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, थोड़ा सा भी अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट होगा जो कि आप दूसरे IDE से लाना चाहेंगे। उसको ढूंढें इस लिस्ट में और ओवरराइड कर लें, और जैसे आप ओवरराइड करेंगे यहाँ पर keybindings.json में आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये फाइल आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको कीबाइंडिंग को भी बंद कर दें, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रहेगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, और यूज़र स्निपेट्स की बात अभी नहीं करूँगा मैं, और एक्सटेंशंस की बात हमने कर ली है, सेटिंग्स की बात हमने कर ली है। कमांड पैलेट की अगर बात की जाए तो इसमें कमांड एक यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर आप जितने भी कमांड्स हैं उनको टाइप करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारा जो लाइव सर्वर है वो यहाँ पर चल रहा है, और जब तक मैं इस पर क्लिक ना कर दूँ तब तक मेरा जो सर्वर है वो क्लोज़ नहीं होगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा सर्वर क्लोज़ हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये नॉट फाउंड आएगा।
देखो यहाँ पर आ रहा है कि साइट कांट भी, क्योंकि मैंने सर्वर बंद कर दिया है। तो ये था मेरा वीएस कोड लाइव सर्वर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को सब कुछ अच्छे से यहाँ पर जो जो मैंने बताया है, जो यहाँ पर बुनियाद है, हमारी फाउंडेशन है, वो आपको समझ में आ गई होगी। लिनक्स और मैक यूज़र्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक बात बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं सिखाऊंगा, वो आपको ऑलरेडी आता है, बट लिनक्स और मैक यूज़र्स भी बिल्कुल घबराए ना ये देख कर कि मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ये ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर सकते। विंडो एक सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फॉलो नहीं कर सकते। एकदम बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं, जहाँ तक हमारा वीएस कोड कंसर्न है, या फिर जहाँ पर हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। मैक और लिनक्स में एकदम पैरेलली चलेगा, एकदम स्मूथली आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टकट्स मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी, जो शॉर्टकट्स आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते आ रहे हैं, जिनकी आपको आदत डली हुई है, वो यूज़ करें। एक मेरा मानना है कि अगर आपको दो हाथ लगाने पड़ते हैं किसी शॉर्टकट को दबाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो शॉर्टकट है। मेरे हिसाब से जो कॉमन शॉर्टकट्स हैं, वो आपके एक हाथ से दब जाने चाहिए। जैसे कि कंट्रोल डी, कंट्रोल एस्केप, और भी बहुत सारे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो मैं सेम ही रखता हूँ कॉपी पेस्ट के लिए। बट आप लोग कुछ भी चाहें ओवरराइट कर सकते हैं यहाँ पर, और वीएस कोड की पावर का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, टर्मिनल, जैसे ही आप यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, तो आपका यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल खुल जाता है, और मैंने अपना जो टर्मिनल है वो गिट बैश सेट कर रखा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके सेलेक्ट डिफॉल्ट शेल करके यहाँ पर अपना डिफॉल्ट टर्मिनल सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, पावर शेल चाहते हैं पावर शेल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका पावर शेल होने वाला है, तो मैंने भी वही सेलेक्ट कर लिया है अभी के लिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर अपना टर्मिनल खोलूँगा, तो मुझे यहाँ पर विंडोज़ पावर शेल खुल के आएगा, और ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है कि आपको एक टर्मिनल अलग से नहीं खोलना है, आपका टर्मिनल यहीं पर है। अगर आप लोग को नहीं मालूम टर्मिनल क्या होता है और टर्मिनल हमको इस कोर्स में क्यों चाहिए, तो बिल्कुल भी घबराएं ना, मैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप कुछ इतना समझ लो कि यहाँ पर जो टर्मिनल है वो हमें रखना है, और बाकी सब कुछ आप लोग सेम रखो। कोई भी सेटिंग अगर चेंज करनी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली है, और आप लोग आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करेंगे, और इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, और एक सफल वेब डेवलपर बनेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो मुझे एक लाइक ज़रूर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि क्या सजेशंस है आपकी इस कोर्स के दौरान, मुझे क्या क्या कवर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में इंटरेक्ट करें मेरे साथ। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना बिल्कुल मत भूलिए, और सेव करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पर क्लिक करके आप बुक मार्क कर लें प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।